आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने कहा, पार्टी के सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से अपनी गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है। पिछले हफ्ते आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को परिवर्तन निदेशालय ईडी ने अबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया था। हालांकि वो समन को राजनीति से प्रेरित करार देकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। आपके मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की हालिया कार्रवाई को लेकर रोष के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए उन्हें जनादेश दिया है। भारद्वाज ने संवाददाताओं से कहा, इन सभी विधायकों की एकमत से राय थी कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। भाजपा जानती है कि वो चुनाव के जरिए केजरीवाल को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती है और ऐसा सिर्फ साजिश रचकर ही किया जा सकता है। भारद्वाज ने आगे कहा कि अधिकारी बैठक करने के लिए जेल में ही जाएंगे, अगर हमें बुलाया जाएगा तो हमें जाने में खुशी होगी। आगे उन्होंने कहा कि हालत ऐसे लग रहे हैं कि हम भी जल्द ही जेल में होंगे, इसलिए यह संभव हो सकता है कि आतिशी को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा और मुझे जेल नंबर 1 में, और हम जेल के अंदर ही कैबिनेट की बैठक करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए होने वाले कामों को रोका ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।